भारत के 5,000 से ज्यादा कुशल श्रमिक अब इसराइल के उद्योगों में काम करेंगे और भारत के विधायकों से भी ज्यादा रुपये कमाएंगे। जी हाँ, इसराइल भारतीय श्रमिकों को जो सैलरी देने वाला है वो भारत में विधायक और आईएएस की सैलरी से भी ज्यादा है। हमास और इसराइल जंग के बीच हजारों लोगों की मौतें हो चुकी है। वहीं इसराइल ने हजारों फिलिस्तीनियों के वर्क परमिट भी रद्द कर दिए हैं। इससे इसराइल के निर्माण क्षेत्र में मजदूरों की कमी हो गई है। ऐसे में निर्माण उद्योग में खाली पदों को भरने के लिए इसराइल भारत से श्रमिकों की भर्ती करा रहा है। कुशल श्रमिकों की भर्ती के लिए इसराइल ने भारत के उत्तर प्रदेश और हरियाणा में भर्ती अभियान चलाए हैं, जिसमें 31 जनवरी 2024 तक यूपी और हरियाणा के 5,600 से ज्यादा उम्मीदवारों के चयन के साथ भर्ती अभियान पूरा हुआ है। यहां बता दें कि फिलहाल इसराइल लोहा और सरिया बैंड करने वाले, राजमिस्त्री, टाइल्स मार्बल मिस्त्री और बड़े जैसे कामों के लिए भारत में भर्तियां कर रहा है। अब श्रमिकों की सैलरी की बात करें तो इसराइल भारत से भर्ती किए गए मजदूरों को 1,37,000 रुपये मासिक वेतन और 16,515 रुपये बोनस देगा, यानी कुल सैलरी 1.5 लाख रुपये से भी ज्यादा होगी। उन्हें मेडिकल इंश्योरेंस, भोजन और आवास भी मिलेगा। अब अगर इसराइल में मजदूरों को मिलने वाली सैलरी की तुलना भारत में विधायकों और आईएएस अफसरों के वेतन से की जाए तो श्रमिकों को इसराइल में मिलने वाला पैसा काफी ज्यादा है। भारत के अलग अलग राज्यों में विधायकों का वेतन अलग अलग है। ये वेतन 40,000 से लेकर 1.5 लाख रुपए तक है, लेकिन औसत वेतन देखे तो 1.5 लाख के आसपास ही है। वहीं आईएएस अफसर का ट्रेनिंग के दौरान वेतन 56,100 रुपए होता है और पहली पोस्टिंग में 1,32,000 रुपए होता है। इस हिसाब से तुलना करने पर इसराइल में भर्ती होने वाले भारतीय श्रमिकों का वेतन भारत में विधायकों और आईएएस अफसरों को मिलने वाली सैलरी से ज्यादा है। अगर आप सोच रहे हैं कि वेतन इतना ज्यादा है तो काम भी उतना ज्यादा ही कराया जाएगा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसराइल में श्रम कानून है जिसके तहत श्रमिकों को हफ्ते में केवल 42 घंटे काम करना होता है। वहीं इसराइल में शुक्रवार को आधे दिन ही काम होता है। इसके साथ ही अच्छा खासा ब्रेक भी दिया जाता है। एक और खास बात, इसराइल में कर्मचारी को ओवरटाइम के लिए भी अच्छा खासा भुगतान किया जाता है। ओवरटाइम के पहले 2 घंटों के लिए 125% की दर से, तो इससे ज्यादा ओवरटाइम के लिए 150% की दर से वेतन के साथ मुआवजा दिया जाता है। कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि इसराइल में भारतीय मजदूरों की चांदी होने वाली है।